ट्रांस मेन को भी पीरियड्स होते हैं, नॉन बाइनरी जेंडर्स को भी पीरियड्स होते हैं। तो सिर्फ ये कहना कि महिलाओं को पीरियड्स होते हैं, ये एक अंडरस्टेटमेंट है। चेंज मतलब बदलाव, और बदलाव सिर्फ मेरे या आपके करने से नहीं आता, ये तब आता है जब हम साथ मिलकर काम करते हैं। सो बी द चेंज का विजन और मिशन है कि हम साथ मिलकर बदलाव लाएं। बी द चेंज एक नाम था जो हमेशा से जहन में था कि कभी कोई सोशल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो इसी नाम से शुरू करूंगी, क्योंकि बचपन से एक कोट दिमाग में बैठ गई थी कि बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो बी द चेंज का जो कॉन्सेप्ट था शायद वहीं से ओरिजिनेट हुआ, लेकिन कोविड के दौरान जब हम फंड रेज करके डेली वेजर्स तक राशन की किट्स पहुंचा रहे थे और एक महिला ने आकर मुझसे पूछा कि क्या आपके पास एक एक्स्ट्रा सैनिटरी पैड का पैकेट है, जवाब था नहीं, और उनके अगले स्टेटमेंट ने ये पूरा प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर दिया जब उन्होंने कहा कि राशन तो सब बांट रहे हैं लेकिन सैनिटरी पैड कोई नहीं बांटता, यहाँ खाने के लिए पैसे नहीं हैं तो पैड कहाँ से लाएं, और मजबूरन कपड़े पर जाना पड़ता है, कपड़े के गीलेपन को सहना पड़ता है। बीइंग अ मेंस्ट्रुअल एजुकेटर मैं ये सेशंस यूथ के साथ लिया करती थी, लेकिन उसे एक स्टेटमेंट ने मुझे हौसला दिया कि हमने घर आकर वापस मैंने और मेरे भाई ने इस्टेब्लिश किया बी द चेंज और कोशिश की कि हम तकरीबन 6 महीने का सप्लाई डेली वेजर्स को और रूरल और ट्राइबल बेल्ट इंडिया के जो हैं उन तक पहुँचा। मेंस्ट्रुअल हाइजीन हमेशा से ही इम्पोर्टेंट रहा, सही जानकारी के अभाव की वजह से बहुत सारी बीमारियों का शिकार मेंस्ट्रुएटर्स हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर अवेयरनेस सेशंस करने की प्रेरणा मुझे मेरे ही घर से मिली, क्योंकि जब मुझे पीरियड्स हुए तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब मुझे नहीं मिले थे, और उनकी खोज करते करते जब वही सवाल यूथ ने मुझसे पूछे, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछे, तब मुझे एहसास हुआ कि इसके बारे में बात करना और सही जानकारी देना कितना ज़रूरी है। भारत में दूसरे नंबर पर वो मृत्यु दर आती है जिसमें मेंस्ट्रुएटर्स सबसे ज़्यादा बच्चेदानी के कैंसर से मरते हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि हम अगर इसको अनकाउंटेबल काउंट्स जो हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंचते, डॉक्टर्स तक नहीं पहुंचते, तो शायद सबसे ज़्यादा लोग इसी बीमारी से मरते हैं। इसकी हाइजीन को लेकर अगर हम छोटी छोटी सावधानियां बरतेंगे तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं, जिसमें सबसे टॉप पर है सर्विकल कैंसर, मतलब बच्चेदानी का कैंसर। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि सिर्फ महिलाएँ ही नहीं हैं जिनको पीरियड्स होते हैं, ट्रांस मैन को भी पीरियड्स होते हैं, नॉन बाइनरी जेंडर्स को भी पीरियड्स होते हैं। तो सिर्फ ये कहना कि महिलाओं को पीरियड्स होते हैं ये एक अंडरस्टेटमेंट है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मेंस्ट्रुएटर्स यानी वो लोग जिन्हें पीरियड्स होते हैं उनके लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन और उसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। पीरियड के कचरे को किस तरह से फेंका जाए इसके बारे में जानकारी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके दो पहलू, पहला कि जिस वक्त आप इस वेस्ट को फेंक रहे हैं, इसका निवारण कर रहे हैं, इसको पैक करके एक कागज़ में उसके ऊपर एक रेड डॉट बनाकर फेंकें। इस रेड डॉट के बनाने से जो सैनिटेशन वर्कर्स, जो सफाई कर्मचारी जो महीनों बाद इस कचरे से निपटेंगे, जब इसको छांटेंगे तो वो इससे पैदा हुए बैक्टीरिया से जूझेंगे। ये बैक्टीरिया उस लेवल तक इतना जानलेवा हो जाता है कि उन्हें जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं, कैंसर और दूसरी बीमारियों से वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो एक छोटा सा स्टेप जिस वक्त हम अपने सैनिटरी पैड के कचरे का निवारण करें, उसे कागज़ में लपेट सील करके और अगर उस पर एक रेड डॉट बना के भेज दिया जाए तो उस कचरे को छाटते समय उसे खोला नहीं जाएगा और इन्फेक्शन से बचा जाएगा। इससे हम उन सफाई कर्मचारियों की जिंदगियां बचा सकते हैं।